हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में कुछ सीखने से पहले मैं आपको ये वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ, onlinedatagenerator.com। तो इस वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए डेटा जनरेट कर सकते हैं। जो कि आप टेबल क्रिएट करते हैं, आपको मैनुअली टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है और मैनुअली उसमें डेटा इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वेबसाइट से डेटा जनरेट कर सकते हैं, ओके, और आप डायरेक्टली उस डेटा को यूज़ करके MySQL या कुछ और सीख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपके पास ये वेबसाइट है onlinedatagenerator.com, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपको कितनी रोज़ आपको जनरेट करनी है। फॉर एग्जांपल, मुझे 100 रोज़ जनरेट करनी है। और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट टाइप देख सकते हैं, यहाँ पे CSV फाइल है आपके पास, JSON है आपके पास, Excel है आपके पास, XML है आपके पास, SQL इंसर्ट है। अभी हम MySQL सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पे SQL इंसर्ट एक्सपोर्ट टाइप सेलेक्ट करूँगा मैं, और यहाँ पे करूँगा एक्सपोर्ट, और मेरे पास एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो मेरे पास एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है, अब देखते हैं इस फाइल में है क्या। तो ये मेरे पास एक फाइल है जो डाउनलोड हो चुकी है, और अभी मैं क्या करूँगा, इसे ओपन करके देखता हूँ इस फाइल में क्या है। मैं इसे फॉर एग्ज़ाम्पल VS Code से ओपन करता हूँ और देखता हूँ इस फाइल में है क्या। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट किया है। इस फाइल में टेबल क्रिएट करने की कमांड है, मॉक डेटा नाम का टेबल है, जिसमें ID है begin, एक मेरे पास एक फील्ड है जॉब टाइटल, एक मेरे पास फील्ड है ईमेल एड्रेस, और एक मेरे पास है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ओके। तो आपके पास कितनी फील्ड है, 1, 2, 3, 4 फील्ड है, और उसके बाद आपके पास कितने 100 रोज है यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल को यूज़ करूँगा। एक और बात, अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको SQL फाइल को रन कैसे करना है, मतलब कि SQL फाइल को कैसे रन करेंगे। अभी तो हम खुद से कमांड लिख रहे थे, बट अगर आपके पास कोई SQL फाइल हो जिसमें आपने कमांड्स लिखी हों और आपको इस पूरी फाइल को रन करना हो, तो कैसे करेंगे, ओके। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो आपकी फ़ाइल है उसका पाथ कॉपी कर लीजिए। मैंने इसका पाथ कॉपी कर लिया, और ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है सोर्स, उसके बाद पाथ को यहाँ पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे पाथ में आप यहाँ पे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स नहीं लगाएंगे, आपको सिर्फ अपना पाथ लिखना है, ओके। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एंटर हिट करूँगा, और देखिए यहाँ पे क्या हो चुका है मेरे पास, एक मेरे पास टेबल क्रिएट हो चुका है मॉक डेटा, जिसके अंदर मेरी सारी रोज 100 रोज इंसर्ट हो चुकी हैं, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ शो टेबल्स, तो मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो चुका है मॉक डेटा, ओके। और मेरे यहाँ पे डेटाबेस का नाम था प्रैक्टिस डेटाबेस। तो अगर आपको नहीं पता डेटाबेस का नाम कैसे चेक करते हैं, डेटाबेस मैंने खुद से बनाया था, ओके। तो मेरे डेटाबेस का नाम है प्रैक्टिस डेटाबेस, जिसके अंदर मेरा पास एक टेबल क्रिएट हो चुका है मॉक डेटा। और मैं क्या करता हूँ, इस मॉक डेटा को देखता हूँ, इस मॉक डेटा में है क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मॉक डेटा, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कितनी रोज आ चुके हैं, 100 रोज आ चुकी हैं, ठीक है। अब इसके साथ कुछ काम करके देखते हैं, ओके। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले आज हम बात करेंगे काउंट की, कि अगर आपको कोई चीज़ काउंट करनी हो तो कैसे काउंट करेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपको काउंट करनी है कितनी रोज हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट काउंट, काउंट में लिखेंगे स्टार, स्टार का मतलब आपको सारी रोज काउंट करनी है, फ्रॉम मॉक डेटा, ओके। तो आपके पास आ रहा है यहाँ पे कितनी रोज हैं, मेरे पास 100 रोज हैं, ओके। और फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे काउंट करना है यहाँ पे जॉब टाइटल, कि मेरे पास कितने जॉब टाइटल हैं, सेलेक्ट काउंट जॉब टाइटल फ्रॉम मॉक डेटा, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कितने जॉब टाइटल हैं, 100। बट आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो जॉब टाइटल हमने काउंट किया ये यूजलेस है, ये हमें उतने ही जॉब टाइटल बता रहे हैं जितने हमारे पास रोज थी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक जॉब टाइटल एक से ज़्यादा बार भी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
यहाँ पे डॉक्टर एक से ज़्यादा बार है, यहाँ पे आप कैशियर देख सकते हैं, कैशियर एक बार दो बार। आपको काउंट करना है कि एक्चुअल में कितने जॉब टाइटल हैं, मतलब कि आपको एक जॉब टाइटल को एक बार से ज़्यादा काउंट नहीं करना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए कैसे करेंगे आप। एक आपको हिंट देता हूँ, लास्ट वीडियो में हमने कुछ सीखा था जिससे हम कुछ काउंट करते थे या जिससे हम प्रिंट करते थे यूनिक आइटम्स। ओके, मैं आपको बताता हूँ, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डिस्टिंक्ट। ओके, डिस्टिंक्ट जॉब टाइटल फ्रॉम मॉक डेटा। और अब देखते हैं क्या होगा। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास कितने जॉब टाइटल हैं, 47। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। और ऐसे हम बात करते हैं अभी, अगर हमें पता करना हो कि कितने डिस्टिंक्ट हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, तो वो भी देखते हैं। हमें चेक क्या करना है, कितने डिस्टिंक्ट हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। ओके, तो देखते हैं। तो आपके पास देख सकते हैं 100 डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, मतलब कि एक भी बार मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रिपीट नहीं हो रहा। ओके, तो ये था काउंट कि आप कैसे काउंट कर सकते हैं, और हमने बात की हम ऑनलाइन डेटा कैसे जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा।